हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 299.20 पे। कंटिन्यूअसली 3 दिन में यहाँ पे बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहे हैं। ये जो स्टॉक है यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे अडानी पावर पे एक वीडियो कवर किया था, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे अडानी पावर की जो सब्सिडरीज है, 6 सब्सिडरीज है जिनका यहाँ पे मर्जर हो गया है, और उसी के साथ कंपनी ने यहाँ पे एसआर का एक्विजिशन भी कर लिया है। और यहाँ पे हमने कुछ लेवल्स भी बताए थे, जो अगर टूट जाते तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया रैली आने वाली है, ऐसा कहा गया था। और उसके बाद देखिए लेवल टूट गए और यहाँ पे हमारे जो टारगेट थे वो भी अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से आगे क्या, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में शेयर जो है होल्ड करके रखा है, उन्होंने आगे क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पे हमने ध्यान देना चाहिए, और आज हम एक बहुत अच्छी खबर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो जो है शुरुआत से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिएगा, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे कंपनी जो है पावर जनरेशन सेक्टर से बिलोंग करती है, लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 1,10,173 करोड़ का, पीई रेशियो बहुत ज्यादा हाई है 86.75 पे। इसलिए यहाँ पे किसी को अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि सेक्टर पीई देखिए यहाँ पे 37.65 पे ही है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स में टोटल रेवेन्यू कंटिन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रहा है। उसी के साथ यहाँ पे इबिटा भी 10,596 करोड़ का हो गया है। नेट इनकम अगर हम देखते हैं तो 2020 में कंपनी ने लॉस बुक किया था -2,274 करोड़ का, जबकि यहाँ पे उन्होंने लॉस रिकवर भी किया और उसके साथ कंपनी जो है यहाँ पे प्रॉफिट में भी आ गई है 1,269 करोड़ से। ईपीएस नेगेटिव से पॉजिटिव में 3.29 हो गया, मतलब कंपनी यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 74.97% यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी है, प्रमोटर का प्लेज है 20.52% का, 0 म्यूचुअल फंड, 0 DII और फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 16.87% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 8.15% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। देखिए हम न्यूज़ की बात करते हैं, 26 अप्रैल की न्यूज़ है, जहाँ पे इन्होंने अडानी पावर के बारे में अपडेट दिया है और यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन बाय की है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं और टारगेट इनका 350 है। टाइम ड्यूरेशन उन्होंने 4 to 6 वीक का दिया है। अब देखिए हम उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिसके चलते हुए यहाँ पे बहुत बढ़िया रैली हमें आते हुए दिखाई दे रही है। तो न्यूज़ यहाँ पे 25 अप्रैल की है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि अडानी पावर ये जो स्टॉक है MSCI इंडेक्स में भी ऐड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो एडलविस अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, इनका यहाँ पे मानना है कि अडानी पावर ये उन स्टॉक में से है जो कि MSCI इंडिया इंडेक्स जो है यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। अब ये जो है रिव्यू होने वाला है और उसकी अनाउंसमेंट जो है 13 मई को होने वाली है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग जो हो जाएगी वो 31 मई के बाद हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 13 मई को अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अडानी पावर ये MSCI इंडेक्स में इंक्लूड हो गया, तो ये अडानी पावर के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और अगर इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये MSCI इंडेक्स में यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत, जैसे कि अपने यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी के जो इंडेक्स है, ये एक फॉरेन इंडेक्स है जहाँ पे ईयरली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू होते हैं, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उनको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है उनको ये जो MSCI इंडेक्स है उसमें से हटा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे अडानी पावर अभी रडार पे है कि ये MSCI इंडेक्स में इंक्लूड हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज रहेगी। अब हम जनरल न्यूज के बारे में बात करते हैं जो है 25 अप्रैल की। तो देखिए यहाँ पे समर का सीजन चल रहा है, पावर के ऑलरेडी शॉर्टेज है, और यहाँ पे जो पावर की डिमांड है कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और यहाँ पे देखिए और जिस तरीके से यहाँ पे पावर स्टॉक राइज हुए हैं, और यहाँ पे एनर्जी जनरेशन की जो कंपनी है आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत ही दमदार होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली पावर का जो सप्लाई है कम पड़ रहा है, इसलिए डिफरेंट स्टेट है जो वेंडर्स को अप्रोच कर रही है पावर की परचेसिंग के लिए। तो यहाँ पे अडानी पावर के लिए भी ये बहुत अच्छा क्वार्टर हो सकता है अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके की इंडिया की अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है, तो यहाँ पे रिलायबल पावर सप्लाई की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और उसी की वजह से यहाँ पे जो पावर डिमांड है उसमें भी ग्रोथ नजर आ रही है। अब जब पावर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी तो यहाँ पे जो
पावर एंड एनर्जी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होंगे उनमें भी बहुत अच्छी तेजी आते हुए दिखाई दे सकती है। और यही बात हो रही है यहाँ पे अडानी पावर में, अडानी पावर और उसी के साथ जितने भी यहाँ पे अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एज अ शेयर होल्डर आपने क्या करना चाहिए, तो जानते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में। तो यहाँ पे देखिए अडानी पावर का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसके लेवल थे यहाँ पे 143 के, और ये जैसे ही इसने एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी है इसके बाद ये जो स्टॉक है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्लोबल इंडेक्सेस डाउन है, यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है वो भी वीकनेस नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की पावर क्राइसिस है उसके चलते हुए अडानी पावर में बहुत बढ़िया तेजी आते हुए नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पे इसने एक सॉसर जो पैटर्न है ये चार्ट बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, सस्टेन हुआ और उसके बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी आई है। तो अगर आपने यहाँ पे नीचे के लेवल या फिर यहाँ पे 220 से लेके 240 के लेवल से भी अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट जो है यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो स्टॉक है इसने बहुत बढ़िया यहाँ पे तेजी दिखाई है, हो सकता है ये जो स्टॉक है आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज है जैसे कि MSCI इंडेक्स है यहाँ पे ऑलरेडी इनका मर्जर हो गया है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाला है, तो हो सकता है ये जो स्टॉक है आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन का ही नजरिया है तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं और बची हुई क्वांटिटी आप यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे टारगेट की बात करें तो देखिए जिस तरीके का ये जो स्टॉक है कंटिन्यूअसली अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रहा है, तो हो सकता है ये आने वाले सेशन में 300 के बाद यहाँ पे 320 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फिट नहीं बैठेगा। इसके पहले जब हमने यहाँ पे वीडियो बनाया था वहां पे हमने बताया था कि जो लेवल अगर टूट जाते तो वहां पे एक एंट्री बन सकती है, लेकिन अभी के लिए एंट्री नहीं बन सकती है। तो इसलिए आप अपना जो कैपिटल है किसी और स्टॉक में जो यहाँ से आगे के कुछ सेशन में या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है वहां पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से 257 का यहाँ पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट इसने बनाया है, तो अगर ये नीचे की तरफ भी आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा है जहां से ये फिर से बाउंस बैक देने के चांसेस रखता है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बातें हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।